अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, चलते हैं अपने पिक्सा टैब के अंदर और अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे अपने एफएक्स टूल के अंदर, इफ़ेक्ट टूल के अंदर, ठीक है। ऊपर एफएक्स लिखा होगा, तो देखिए हम एफएक्स में आ गए हैं। अभी हमें यहाँ पे नीचे से स्लाइड करना है और कलर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये फ्लावर वाले आइकन पे जाके और यहाँ पे मूव करके ये ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसको हम कर देंगे फुली रेड, से फुल रेड कर देंगे। हम इस साइड पे भी करेंगे तो लास्ट पे फुल रेड ही होगा दोस्तों। इसे फुल रेड करके ऊपर इरेजर वाले आइकन पे जाएं और ये जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन पर है वहाँ वहाँ पे आपको इरेज करना है। इरेज़ अच्छे से करिएगा, इसमें कोई जल्दी नहीं। मैंने वीडियो को फास्ट किया, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इरेज़ करने में। छोटी छोटी जगह देखनी पड़ती है। और याद रखिएगा, ये जैसे अभी मेरे बॉडी पर ये लीफ आ रहा है ना, मेरे तो नहीं, सॉरी, कैरी मिनाटी भाई के, तो इसको इरेज नहीं करना, सिर्फ अपनी स्किन से हटाना है। इसे करने के बाद इसे हम करेंगे डन। इसके बाद फिर से हम जाएंगे एफएक्स टूल के अंदर, यहाँ पे हम जाएंगे लास्ट पे ही कलर वाले में जाके फिर से हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसका मैंने नाम नहीं पढ़ा, बाद में आपको बताऊंगा। तो ये इसको हम फुल कर देंगे नीचे ह्यू को, इसे हम कर देंगे रेड। फुल रेड करने के बाद हम इरेज वाले आइकन पे जाएंगे, सॉरी, पहले इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम इरेज वाले ये जाएंगे, सॉरी, ब्रश पे। ब्रश को हम करेंगे पहले लीफ पे जो आपको लग रहा था अभी भी ग्रीन है। बाकी देखें ऐसे लग रहा है जैसे शेडो आ रही है, वो कलर रेड ही लग रहे हैं उनका, उन पे करने की ज़रूरत नहीं, जो ओवर लगे उस पे कर सकते हैं हम। उसके बाद हम अपनी अंदर वाली शर्ट को करेंगे रेड कलर में, इसे हमें अच्छे से रेड करना पड़ेगा। देखें कि हमारी जैकेट पे ना, जिप पे आ जाए, खैर है जैकेट पे नहीं आना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, आप ये आराम से करिएगा। मैंने वीडियो को बहुत फास्ट किया, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, बल्कि मुझे पूरी वीडियो में सिर्फ यह काम करने का ही टाइम लगा ज़्यादा। सॉरी दोस्तों, पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको। दोस्तों इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, दोबारा चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं से रह तो नहीं गया। उसके बाद ये ग्लासेस में भी मैं कर रहा हूँ, इसको भी हम रेड कलर ही देंगे, सेम वही शेड देंगे। दोस्तों इसे हम करेंगे डन। ये देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अभी एच यू ई को आप अगर माइनस में लेके जाओगे तो देखो कोई भी कलर हो जाएगा, ठीक है, आपको लेकिन रेड ही रखना है। अगर आप और कोई कलर करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया मैंने, ठीक है। तो इसे हम करेंगे डन। अभी हमारा पिक्सल का काम हो चुका है, अभी हम जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे सेव टू डिवाइस कर लेंगे, सेव इमेज कर लेंगे, ओके। अभी हम अपने जाएंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। दोस्तों ये सारी एडिटिंग आपने गौर से देखनी है, ठीक है, इसे क्रॉस करेंगे। अभी फ़ोटो ऐड कर लेंगे अपनी, अलाउ कर लीजिएगा। फ़ोटो ऐड करने के बाद जो सी आपने एडिट की थी वही ऐड करनी है, उसे ऐड कर लें। अभी स्किप करने से आपको जाना है लाइट में, लाइट में जाएं, एक्सपोजर को थोड़ा सा इनक्रीज़ करें। वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपको कंट्रास्ट को, ठीक है, कंट्रास्ट को माइनस में ले जाएं, हाईलाइट को बढ़ा दें, शेडो को भी बढ़ा दें और थोड़ा सा वाइट को भी बढ़ा दें, ब्लैक को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे टेम्परेचर में, ठीक है, कलर में जाएंगे, कलर को हम टेम्परेचर को करेंगे माइनस, टिंट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे,
विब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम प्लस में ले जाएंगे और सेचुरेशन को हम माइनस में ले जाएंगे। लुमिनेंस को बढ़ाना है और सेचुरेशन को माइनस करना है, ये आपकी स्किन के लिए होगा स्पेशल। उसके बाद आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है, रेड को आपको इसको नहीं छेड़ना, इसको आपको 1-2+ कर सकते हो, ठीक है। लुमिनेंस को बढ़ाना है और सैचुरेशन को भी, इससे क्या होगा कलर आपका और डार्क हो जाएगा। कलर को डार्क करने के बाद आप करेंगे डन। उसके बाद हम जाएंगे क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे, विग्निटी को माइनस में लेके जाएंगे, डिक्रीज करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद ग्रेन अमाउंट का नीचे होगा, उसे आपको बढ़ाना होगा और इसका साइज़ आपको थोड़ा सा माइनस में लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद ये होगा डिटेल वाला ऑप्शन, डिटेल में आपको शार्पिंग को बढ़ाना पड़ेगा, मास्किंग को और नॉइज़ रेडिएशन को बढ़ाएं। नॉइज़ रेडिएशन को आपको, अगर आपकी फ़ोटो की रेजोल्यूशन नहीं है ना, रेजोल्यूशन वीक है, तो फिर आप इसको फुल भी कर सकते हो। जितना बढ़ाओगे तो आपकी स्किन स्मूथ होगी। इसे कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें और कलर नॉइज़ रेडिएशन को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। देखो दोस्तों कैसा इफ़ेक्ट आया है। अभी हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे, इसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके हाई क्वालिटी में सेव कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।